अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम फिफ्थ इंग्लिश में ग्रामर का एक पोर्शन वर्ब पढ़ेंगे। इसके मतलब कुछ मालूमात हासिल करेंगे। कुछ डेफिनेशंस मैंने इसके लिए कुछ दिए हैं, तो हमें पता चलेगा कि वर्ब क्या चीज़ है, ये कैसे इस्तेमाल होता है। तो अ वर्ड यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन, वो लफ्ज़ जो किसी एक्शन किसी काम को जाहिर करे तो वही वर्ब होता है। स्टेट ऑफ बीइंग या किसी वजूद, ऑलमोस्ट एवरी सेंटेंस रिक्वायर्स ए वर्ब। तकरीबन हर किसी सेंटेंस में वर्ब लाजमी है। वर्ब्स आर द एक्शन वर्ड्स, ये एक्शन वर्ड्स होते हैं, यानी किसी काम को ये जाहिर कर। जैसे उस वक़्त इंसान एक्शन में होता है, ईटिंग करेगा तो एक्शन में, ये जो माउथ है, टीथ है, ये एक्शन में होते हैं। या अगर इंसान राइटिंग करेगा तो फिंगर्स जो हैं या हैंड है, ये एक्शन में होता है। वॉक करेगा तो इंसान एक्शन में होता है, इसीलिए इनको एक्शन वर्ड्स भी बोलते हैं। इन द सेंटेंस दैट डिस्क्राइब व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग, तो सेंटेंस में ये पता चलता है कि सब्जेक्ट क्या करने जा रहा है, यानी क्या कर रहा है। कोई सेंटेंस होगा तो सब्जेक्ट जब देता दिया हुआ, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं तो आगे उसकी उसका जो एक्शन दिया जाता है, यानी वॉक करेगा, ईट करेगा, क्या करेगा। वर्ब्स कैन एक्सप्रेस, तो वर्ब्स क्या हमें जाहिर करते हैं, फिज़िकल एक्शन, इंसान के जिस्मानी एक्शन को, जैसे जंप, वॉक, रीड, राइट, ईट वगैरह। मेंटल एक्शन, इसमें आता है गैस, आइडिया, थॉट वगैरह, और स्टेट ऑफ बीइंग या किसी चीज का वजूद। सम सेंटेंस और तो कुछ सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिखे हैं जिसमें हमें वर्ब पता चलेगा कि वर्ब कहाँ पर इस्तेमाल होता है। शी एट ऑल एग्स, उसने सब एग्स खा लिए, यानी अंडे। तो इसमें एट जो है ये इसमें वर्ब है, यानी कुछ काम कर रही है, ये एट ईटिंग कर रही है, एट ए पास्ट ईट का। तो दूसरा है द बर्ड सिंग ए चेरी सॉन्ग, इसमें जो सिंग है ये वर्ब है, गाना। क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद करना, इसमें जो क्लोज है ये वर्ब है। दे बॉट ए न्यू हाउस, खरीदना। बाई का पास्ट है ये, तो ये भी वर्ब है, यानी ये सब काम है। ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा है, तो खेलना जो है ये वर्ब है। इस तरह यू आर राइटिंग वेरी नाइस, आप अच्छे लिखते हो, तो इसमें लिखना जो है वर्ब है। इस तरह ही इज़ राइडिंग ऑन हॉर्स, जो राइडिंग है ये वर्ब है। इसमें ऑल चिल्ड्रन आर रीडिंग गुड, सब बच्चे ऐसे पढ़ते हैं, तो जो रीडिंग है इसमें ये वर्ब है। फरहत इज़ स्पीकिंग वेरी नाइस, जो स्पीकिंग है इसमें बोलना, ये वर्ब है। इसी तरह कामरान किक्स, किक द बॉल, कामरान ने गेंद को यानी किक मारा, तो ये वर्ब है, यहाँ लात मारी, तो ये वर्ब है। तो अब हमें समझ आया है कि सेंटेंस में कैसे वर्ब इस्तेमाल होते हैं, और वर्ब की जो कुछ डेफिनेशंस मैंने दी हैं ये भी आपको समझ आए होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको इतना कुछ समझ आया होगा। शुक्रिया।